Assalamu alaikum and welcome to my channel. In today's video, I'm going to discuss about international organization and agencies and their details. But before starting video, if you're not subscribed to my YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon to get the notifications of my latest uploaded videos. And if you're watching my video on Facebook, kindly like my Facebook page as well. So let's start video. UNO stands for United Nations Organization. Data formation is here 24 October 1945. Members 193, languages 6, Arabic, Chinese, Russian, English, French and Spanish. इसका जो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है. परमानेंट मेंबर्स 5 हैं, चाइना, रशिया, अमेरिका, यूएस, फ्रांस, और इनको वीटो पावर भी कहते हैं. रोटेटिंग मेंबर्स 10 हैं और सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं. ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो हेडक्वार्टर है नेदरलैंड में है और नंबर ऑफ जजेस 15 हैं. कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन हेडक्वार्टर लंडन, हेड जो है एलिजाबेथ II है. सेक्रेटरी जनरल कमलेश शर्मा है. मेंबर्स 54 हैं और पाकिस्तान ने 1947 में फर्स्ट टाइम को ज्वाइन किया था, फिर 1972 में इसको लेफ्ट कर दिया था और रिजाइनिंग जो है तो 1989 में ली थी. यूरोपियन यूनियन डेट ऑफ फॉर्मेशन 1992, मेंबर्स 27, करेंसी यूरो. और नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं. डेट ऑफ फॉर्मेशन 1949, हेडक्वार्टर ब्रसल बेल्जियम. और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 28 हैं और सेक्रेटरी जनरल एंडर्स फो रिसमोसन है. अरब लीग डेटा फॉर्मेशन 1945, मेंबर कंट्रीज 22 और सेक्रेटरी जनरल नबील अलारबे एंड हेडक्वार्टर इज इजिप्ट. एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी जो डेटा फॉर्मेशन है वो 1967 और जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं ली लॉन्ग मी. G8 कंट्रीज USA, UK, Canada, France, Germany, Italy, Japan और Russia. D8 countries Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan and Turkey हैं. और OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries की ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें इसकी जो डेट ऑफ फाउंडेशन थी वो 1960 और मेम्बर्स की हैं 12 countries. हेडक्वार्टर्स का जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है. SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी जो डेट ऑफ फॉर्मेशन है वो 1965 है. इसके जो मेंबर्स हैं वो 8 हैं और मेंबर्स में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान. भी एशियन कंट्रीज हैं और अफगानिस्तान ने इसको 2007 में इसको ज्वाइन किया था और इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, जो कि नेपाल का कैपिटल है. और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो अहमद सलीम, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं, और चेयरमैन जो हैं तो मोहम्मद वहीद हसन मानिक हैं. OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं 57 हैं और डेट ऑफ फॉर्मेशन 1969 और ये मराकश के शहर रबात में इसकी बुनियाद रखी गई थी मस्जिद अक्सा पे अटैक के बाद. सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बगदाद पक्त भी कहते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है टर्की अनकरा में है और मेंबर्स के 5 थे और ये अब डिसॉल्व हो चुकी है. 1979 में ये डिसॉल्व हो गई थी. ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, डेट ऑफ फॉर्मेशन 1966, हेडक्वार्टर मनीला, मेंबर्स 67. उसके बाद आती है IMF, जो कि कर्ज प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को. इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसकी फुल फॉर्म है और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में है. एंड देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है. CTBT स्टैंड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. NTBT स्टैंड फॉर न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. एंड IAEA स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है. और इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी. अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन रह गई हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और बोरिंग हो जाती है क्योंकि हिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है इसमें बंदा बोर हो जाता है. तो इंशाल्लाह इसका मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.